Hi guys, this is Palak Purswani and you guys are watching me on Telefilms. आफ्टर बिग बॉस वेल मैं यूजुअली काफ़ी ड्रेसी जाती हूँ बाहर. अगर जितने भी बार हम लोग मिले हैं, यू नो, मेरी मीटिंग्स या कुछ ना कुछ होता ही रहा, तो आई हैव ऑलवेज बीन ड्रेस्ड अप. बट आज मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने आई थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट कीप माई लुक वेरी कैजुअल. दिस व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे इज़ बाय माई फ्रेंड भव्या. उसका डिज़ाइन है ये. आई एम वेयरिंग पैंडाज एंड दीज कार्गोज एंड क्रॉप टी शर्ट इज़ बाय दिस ब्रांड कॉल एज ऑड नॉट इवन. देव गॉट सम क्रेजी स्टफ गाइज, यू ऑल शुड चेक इट आउट. देव मोस्टली वेयर, दे यूजली हैव स्ट्रीट वेयर, सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग बिकॉज थोड़ा ईजी ब्रीजी डे आउट लुक था, सो दैट्स व्हाट आई एम. जी मैंने जैसे कि कहा, मैं स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम सपोर्टिंग अभिषेक बिकॉज दैट गाय इज़ रियली प्लेइंग रियल. ही इज़ ट्रांसपेरेंट. वो मुंह पे है जो है, किसी से नहीं डर रहा है वो. सो आई फील उसका गेम बहुत सही जा रहा है. उसके कुछ ट्रू कनेक्शंस भी बने हैं घर के अंदर. मनीषा एंड ही टुगेदर आर यू नो एक्चुअली कमिंग अक्रॉस एज दैट पावर फ्रेंडशिप इज शोइंग. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी द वे दीज टू गाइज आर प्लेइंग इन द गेम. जी जी मैं बस यही कहूँगी कि कुछ अगर वाइल्ड कार्ड्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो गेम में वो एक स्पार्क आना, वो पंप अप होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज थोड़ा सा मुझे गेम डल और लो नज़र आ रही थी. काफ़ी हैवी वाइब्स, झगड़े हो रहे थे काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर. तो एक फ़न एलिमेंट आई थिंक मिसिंग था थोड़ा गेम में. सो आई होप ये दो यू नो वो फ़न एलिमेंट ऐड कर पाएँ. एंड रही बात मेरे वाइल्ड कार्ड में जाने की, मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगी बिकॉज मेरी जो थोड़ी अनफिनिश जर्नी थी उसे फिनिश करना चाहूँगी. सिंस दिस शो हैज़ बिन माई ड्रीम, सो वाई नॉट. जी 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 सो मैंने कहा था कि एक घर में एक्स के साथ रहना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है. अनकम्फर्टेबल आई नेवर सेड बिकॉज वो इंसान मेरे लिए आज उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो मुझे डिसकम्फर्ट में डाले. बट डेफिनेटली इट वॉज़ चैलेंजिंग क्योंकि दो दिन बाद मैं घर के अंदर पहुंची थी. लोगों के एलाइज बन चुके थे, ग्रुप्स बन चुके थे. एंड उस सिचुएशन में आपका घर में हिस्सा बनना इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क. एंड डेफिनेटली वो खुद घर में थे तो उनने काफ़ी चीज़ों को लेकर मेरे बारे में, लोगों के दिमाग में काफ़ी चीज़ों को लेकर सीड एंड ऑलरेडी एक सीड एक इमेज बना दी थी. तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे फायर बैक की. सो डेफिनेटली वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे लिए थी इन द हाउस. बट अभी आई थिंक आई एम गोइंग विद अ वेरी प्रिपेयर्ड मेंटल स्टेट. सो आप मुझे वैसा सेंसिटिव और इमोशनल नहीं पाएंगे शो में. जी जी यार आप ही मुझे बताइए, तीन हफ्ते में किसे प्यार होता है? आई मीन इट्स नॉट जस्ट मी, आई मीन जनता पागल नहीं है. जनता को पता चल जाएगा कितना ट्रू है कितना नहीं. बिकॉज फर्स्ट वीक में उनने खुद ही कहा था, उनके ही शब्द थे जिया से जब वो बात कर रहे थे कि मुझे ये पछड़ों में पढ़ना भी नहीं है. एंड माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो सेड यू नो जस्ट बी सिंगल और व्हाटएवर. फर्स्ट वीक में आप ये बोल रहे हो, थर्ड वीक में आप ऑलरेडी आई लाइक यू बोल रहे हो एक लड़की को. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डर गए थे क्योंकि बेचारे नॉमिनेटेड थे ना, तो उनको लगा शायद ये एंगल प्ले करूँगा तो बच जाऊँ मे बी. बस मैं यही कहूँगी कि गाइस मेरी जो जर्नी है वो अनफिनिश रह गई. अगर आप मुझे और भी देखना चाहते हैं बिकॉज मैं जानती हूँ कि मैं शो में बहुत कुछ कर सकती हूँ. अ लॉट इज़ लेफ्ट दैट आई कैन गिव टू द शो. सो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए. एंड बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट आई एम हियर वेयर आई एम. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hi Palak, how are you? Hi, I'm good. How are you all? Good, कैसी good. लग रही हूँ मैं आज? थोड़ा casual लुक है. क्लोथिंग अच्छी लग रही है आपकी. अच्छा अच्छा. इसे कार्गो पैंट बोलते हैं, ठीक है? जो भी पहने अच्छा लग रहा है. Thank you. चलो. Thank you Palak. Thank you.